पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच इमरान खान के मंत्रियों ने बौखलाना शुरू कर दिया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को इमरान खान ने साजिश करार दिया और अब उनके मंत्रियों ने भी वही भाषा बोलनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इमरान के मंत्री अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए इमरान के मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ भी टिप्पणी की है और वो भारत के खिलाफ जहर उगलने से भी बाज नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में सियासी संकट से इमरान खान और उनके मंत्री बौखला गए हैं। पाकिस्तान में 3 अप्रैल को संसद भंग कर दी गई। ऐसे में पाकिस्तान इसमें भी भारत को घसीटने से बाज नहीं आया। इमरान के मंत्री शेख रशीद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भारत के खिलाफ भी टिप्पणी कर दी। इमरान लगातार विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों की साजिश बता रहे हैं और अब वही भाषा उनके मंत्रियों ने भी बोलनी शुरू कर दी है, जिसके तहत इमरान सरकार में मंत्री शेख रशीद ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने से विपक्ष की हालत बेहद नाजुक है। हमारी सरकार पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। हम आगामी चुनाव में 2018 से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हमारी सरकार नहीं गिरी, इससे भारत में निराशा का माहौल है। पाकिस्तान में लगातार इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। भले ही संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, लेकिन 90 दिन में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें फैसला जनता करेगी कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार रहेगी या फिर नहीं। हालांकि अगर इमरान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को संसद में वोटिंग होती तो इमरान के हाथ से सत्ता फिसलनी तय थी, क्योंकि पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली संसद में इमरान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 172 सदस्यों की जरूरत थी। हालांकि विपक्ष का दावा था कि उसे 177 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो कि प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए जरूरी संख्या से अधिक था। इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से तो बच गए, लेकिन उनके मंत्री इस बात को अपनी जीत समझ बैठे हैं, जिसे बौखला कर वो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी ताकतों की साजिश बता रहे हैं और भारत को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान और उनके मंत्री हर मामले में भारत को घसीटने से बाज नहीं आते हैं। खुद पाकिस्तान की ओर से हमेशा ही भारत के हर मामले में दखल दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मचे सियासी उथल पुथल पर भारत की ओर से कोई बयान भी नहीं दिया गया। लेकिन इमरान के मंत्री ने भारत को लेकर इस मामले में जहर उगलना शुरू कर दिया, जो साफ तौर पर इमरान खान की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।